क्या आपको ये पता है कि बच्चे की आवाज सुनकर सुसु क्यों कर देते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि कुर्सी या स्टूल के बीचों बीच गोल छेद क्यों होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पत्नी अपने पति को जान से मार सकती है, लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इंग्लिश टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद फ्लश करना जरूरी होता है, जो साफ सफाई को बनाए रखने में मददगार है। लेकिन इसी फ्लश की वजह से इटली के एक कपल ने 8 लाख रुपए की कमाई की है, वो भी अपने ही पड़ोसी से। दरअसल इटली के गल्फ ऑफ पोइट्स में रहने वाले एक कपल ने साल 2003 में अपनी पड़ोसी के खिलाफ कोर्ट में केस किया था, जिसमें ये कहा गया था कि पड़ोसी के घर में इस्तेमाल होने वाले फ्लश की आवाज से कपल की नींद खराब हो जाती है। इसी केस पर पिछले 20 साल से सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद जज ने कपल के हक में फैसला सुनाते हुए पड़ोसी को हर्जाने के रूप में 8 लाख रुपए देने का आदेश दिया। इस तरह तेज फ्लश की आवाज की वजह से कपल को 8 लाख रुपए की कमाई हो गई, जबकि उनके पड़ोसी को खराब फ्लश इस्तेमाल करने का नुकसान झेलना पड़ा। फैक्ट नंबर 2, आपने ऐसे कई देशों के बारे में सुना होगा जहां सार्वजनिक जगहों पर कपल्स को किस करने की आजादी नहीं होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पालतू जानवरों को किस करने से रोका जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह अजीबोगरीब कानून हांगकांग में बनाया गया है, जहां पालतू जानवरों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और किस न करने का फरमान सुनाया गया है। इस नियम के तहत मालिक को इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनके पालतू पेट्स दूसरे जानवरों के संपर्क में न आए और न ही किस करें। अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू जानवरों को किस करने से नहीं रोकता है तो उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करके सजा दी जाती है, जबकि नियम का उल्लंघन करने पर मोटा जुर्माना भी लगाया जाता है। इतना ही नहीं, हांगकांग में चूहों को मारने का आदेश भी दिया गया है, जिसके लिए सरकारी संस्थान के अधिकारी अब तक 2000 से ज्यादा चूहों को मौत के घाट उतार चुके हैं। दरअसल पिछले दिनों चूहों पर की गई एक रिसर्च के दौरान ये पता चला था कि कोरोना वायरस जानवरों को भी अपना निशाना बना रहा है। इतना ही नहीं, हांगकांग में 11 चूहे कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे, जिसके बाद यहां चूहों को मारने और पालतू जानवरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। इतना ही नहीं, हांगकांग की सरकार ने पेट शॉप से चूहों को पकड़कर उन्हें मौत के घाट उतारने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से यहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। फैक्ट नंबर 3, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने महाशक्ति बनने के होड़ में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका का असली निशाना नागासाकी नहीं बल्कि कोकुरा पर बमबारी करना था। दरअसल अमेरिका चाहता था कि वह जापान पर बमबारी करके उसे बुरी तरह से डरा दे, लिहाजा उसने कोकुरा शहर पर परमाणु बम फेंकने का फैसला किया था। तिनियन द्वीप पर बसा हुआ कोकुरा शहर बहुत ही छोटा है, जहां बेहद कम लोगों की आबादी निवास करती है, लेकिन जब अमेरिका के विमान ने कोकुरा शहर पर बम गिराने के लिए उड़ान भरी तो आगे चलकर आसमान में घने बादल छा गए। ऐसे में अमेरिका को आनन फानन में अपना फैसला बदलना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु बम को कोकुरा शहर से कई किलोमीटर दूर नागासाकी पर फेंक दिया गया था। इस विस्फोट से होने वाला धमाका इतना भयानक था कि उसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, जबकि नागासाकी की जमीन रेडिएशन से भर चुकी थी। इस विस्फोट की वजह से आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जन्म लेने वाले कुछ बच्चे विकलांग या मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जबकि इस जमीन के कुछ हिस्से आज भी बंजर हैं। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत से लोगों को पालतू जानवर के रूप में कुत्ता पसंद होगा, वहीं कई लोगों के घर पर डॉगी भी होंगे, लेकिन क्या आप अपने डॉगी का बर्थडे मनाने के लिए 11 लाख रुपए की रकम खर्च कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन चीन के हुनान प्रांत में रहने वाली एक लड़की ने अपने पालतू कुत्ते का बर्थडे मनाने के लिए 11 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, जिसकी वजह से वह रातों रात सुर्खियों में आ गई थी। दरअसल दिसंबर 2021 में लड़की के पालतू कुत्ते डाउ डाउ ने अपनी जिंदगी के 10 साल पूरे कर लिए थे। ऐसे में लड़की को महसूस हुआ कि शायद ये डाउ डाउ का आखिरी जन्मदिन हो, इसलिए उसने अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन यादगार बनाने के लिए 520 ड्रोन किराए पर लिए और उनकी मदद से आसमान में केक बनवाकर हैप्पी बर्थडे डाउ डाउ लिखवा दिया, जिसमें पूरे 11 लाख रुपए का खर्च आया था। इतना ही नहीं, लड़की ने अपने डॉगी के लिए स्पेशल केक भी ऑर्डर किया था, जिसे उसने डाउ डाउ के साथ कट किया था। पालतू कुत्ते का यह शानदार बर्थडे सेलिब्रेशन चीन में कई लोगों ने अपने घरों से देखा था, क्योंकि उस रात आसमान जगमगाते ड्रोन की लाइट से रोशन था। क्या आपने कभी अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाया है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे इंसान और जीव जंतुओं के जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की जाती है और उसके बदले नए पेड़ पौधे भी नहीं लगाए जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए फिलीपींस सरकार ने एक सख्त नियम बनाया है, जिसके तहत हर छात्र को ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने से पहले 10 पेड़ लगाने अनिवार्य होते हैं। अगर कोई छात्र इस नियम की अनदेखी करता है तो उसे ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के बावजूद भी डिग्री नहीं दी जाती है।
ऐसे में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के लिए फिलीपींस का हर छात्र कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाता है, जबकि उससे संबंधित डेटा कॉलेज में जमा करता है। इसके बाद ही यूनिवर्सिटी से छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है, फिर चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हों। यही वजह है कि फिलीपींस में धीरे धीरे हरियाली बढ़ रही है, क्योंकि इस देश से सालाना लाखों बच्चे ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके डिग्री हासिल करते हैं और पेड़ लगाते हैं। फैक्ट नंबर 6, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि अमीर लोग बोली लगाकर बहुत ही महंगी महंगी पेंटिंग खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको ये लगता है कि पेंटिंग खरीदना अमीरों का शौक और क्लास को दर्शाता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पेंटिंग खरीदकर अमीर वर्ग के लोग अपना मोटा पैसा छिपाने का काम करते हैं, जिसे आप टैक्स चोरी भी कह सकते हैं। दरअसल जब किसी व्यक्ति की कमाई करोड़ों या अरबों में होती है, तो उसे सरकार को टैक्स अदा करना पड़ता है। ऐसे में जिस व्यक्ति की कमाई ज्यादा होती है, उसे उतना ही ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। इसी टैक्स को बचाने के लिए अमीर लोग अपनी कमाई का मोटा हिस्सा पेंटिंग खरीदने में खर्च कर देते हैं, जिसकी गिनती उनकी नेटवर्थ में नहीं की जाती है, और इस तरह अमीर लोगों को कम टैक्स भरना पड़ता है। वहीं पेंटिंग के रूप में उनके रुपए हमेशा सेफ रहते हैं, जिससे वह कभी भी पेंटिंग को बेचकर दोबारा वसूल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आप अमीरों द्वारा खरीदी जाने वाली पेंटिंग्स की सच्चाई को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 7, आप जब भी किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे, तो आपको सामान रखने के लिए 15 या 20 रुपए एक्स्ट्रा देकर बैग खरीदना पड़ता होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शॉपिंग मॉल में पैसे देकर बैग खरीदना गैरकानूनी है, जिसके लिए ग्राहक कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। दरअसल शॉपिंग मॉल में सामान रखने के लिए जो बैग दिए जाते हैं, उसमें ब्रांड का नाम या लोगो बना होता है। ऐसे में कोई भी कंपनी अपने ब्रांड के नाम वाले बैग को पैसों में नहीं बेच सकती है, क्योंकि ग्राहक उस ब्रांड का सामान खरीदता है और साथ ही बैग पर बने ब्रांड के लोगो या नाम की वजह से कंपनी का प्रमोशन भी हो जाता है। ऐसे में अगर किसी स्टोर पर शॉपिंग करने के बाद आपको नाम या लोगो वाला बैग रुपए में खरीदने के लिए कहा जाता है, तो आप रुपए देने से साफ इनकार कर सकते हैं और फ्री में बैग के अंदर अपना सामान रख सकते हैं। कोई भी कंपनी या शॉपिंग मॉल में सिर्फ वही बैग रुपयों में बेचा जा सकता है जो बिल्कुल प्लेन हो और उसमें किसी भी कंपनी या ब्रांड का नाम ना लिखा गया हो। आपको बता दें कि कंपनी के मालिक ज्यादा मुनाफा कमाने के मकसद से ग्राहकों को रुपए देकर बैग खरीदने को कहते हैं, जबकि बैग पर ब्रांड का नाम लिखे होने की वजह से उनका फ्री में प्रमोशन भी हो जाता है। ऐसे में कंपनियों की इस चालाकी से बचें और जागरूक ग्राहक बनकर अपने अधिकारों की रक्षा करें। फैक्ट नंबर 8, भारत में महिलाएं अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देती हैं और उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां रहने वाली महिलाओं को अपने पति की हत्या करने की आज़ादी है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हांगकांग एक ऐसा देश है जहां की महिलाएं अपने पति की हत्या कर सकती हैं। इस देश में यह अजीबो गरीब कानून इसलिए बनाया गया है ताकि एक पति अपनी पत्नी को चीट करने की गलती ना करे। ऐसे में अगर किसी महिला के पति का दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा होता है और महिला के पास इस बात का सबूत है, तो वह अपने पति की हत्या कर सकती है। लेकिन अपने पति की हत्या करने के लिए महिला किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उसे सिर्फ अपने हाथों की मदद से पति को जान से मारने की आज़ादी होती है। ऐसे में अगर कोई महिला प्रूफ के साथ अपने पति को गला दबाकर मौत के घाट उतार देती है, तो हांगकांग के नियमों के अनुसार उस महिला को हत्या के आरोप में जेल नहीं भेजा जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, आपके घर में भी प्लास्टिक से बने स्टूल का इस्तेमाल किया जाता होगा, जिन्हें बैठने से लेकर बाथरूम और किचन में ऊंचाई पर रखे सामान को नीचे उतारने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लास्टिक के स्टूलों के बीचों बीच एक गोल छेद क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह होल बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। दरअसल प्लास्टिक के स्टूल को दुकान पर एक के ऊपर एक रखा जाता है ताकि वह कम से कम जगह लें। ऐसे में अगर स्टूल के बीचों बीच यह गोल छेद नहीं होगा, तो वैक्यूम और एयर प्रेशर की वजह से प्लास्टिक आपस में चिपक जाएगा, जिसकी वजह से स्टूल को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस तरह प्लास्टिक स्टूल या कुर्सियों में होल बनाए जाते हैं ताकि उनके जरिए हवा पास होती रहे और प्लास्टिक एक दूसरे से ना चिपके। इसके अलावा अगर कोई भारी भरकम इंसान स्टूल पर चढ़ जाए, तो उसमें मौजूद यह होल स्टूल को टूटने और इंसान को जमीन में गिरने से भी बचाता है, जबकि इस छेद की वजह से स्टूल बनाने में कम प्लास्टिक भी खर्च होता है। फैक्ट नंबर 10, अक्सर आपने देखा होगा कि माता पिता छोटे बच्चे को टॉयलेट करवाने के लिए की आवाज निकालते हैं, जिसे सुनकर बच्चे तुरंत पेशाब कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे बच्चे इस आवाज को सुनकर पेशाब कैसे करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे साइंटिफिक वजह छिपी है। दरअसल जब किसी बच्चे के सामने आवाज निकाली जाती है, तो बच्चे का दिमाग उस आवाज के साथ कनेक्ट करने लगता है। ऐसे में बच्चा उस आवाज से मिलती जुलती क्रिया करने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पेशाब निकल जाता है। इसके बाद माता पिता जब भी की आवाज निकालते हैं, तो बच्चे का दिमाग तुरंत इस बात को समझ जाता है कि उसे पेशाब करना है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति बच्चे के सामने इस तरह की आवाज निकालता है, तो बच्चा तुरंत पेशाब कर देता है।
यह आवाज बच्चे के दिमाग को यह संकेत देने का काम करती है कि अब उसे पेशाब त्यागना है। इसलिए ऐसी आवाज को सुनकर बच्चा तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।